सो हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम तद्भव और तत्सम देखेंगे जो कि आपके आरओ एआरओ के एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है और ये पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों को देखना, तो तत्सम और तद्भव शब्द का अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले शब्द अर्थ एवं परिभाषा। तद्भव शब्द तत् भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विकसित, उससे उत्पन्न। मतलब तत्सम से जो उत्पन्न होता है वही तद्भव है, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न विकसित हुए तद्भव शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जो संस्कृत शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो पाली प्राकृत अपभ्रंश होते हैं, पाली प्राकृत अपभ्रंश होते हैं, मतलब पाली और प्राकृत भाषा के अपभ्रंश होते हैं, परिवर्तित होते हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं में आए हैं। ये तद्भव शब्द हमारी अपनी ही पूंजी है, समझ रहे हो? मतलब हम ही ने उनको बिगाड़ बिगाड़ के तद्भव बना दिया। हिंदी की सभी क्रियाएं, सर्वनाम, बहुत सी संज्ञाएं, विशेषण और क्रिया विशेषण तद्भव शब्द हैं। जैसे अग्नि, वर्षा, सलोक, किशुन, कृपा तद्भव शब्द ही है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने तद्भव शब्दों को हिंदी का मेरुदंड कहा, मतलब ये बैकबोन है आपकी, इन्हीं के अनुसार हिंदी चल रही है, वरना तो संस्कृत होती है ना। तो आगे तत्सम शब्द अर्थ एवं परिभाषा। तत्सम का मतलब होता है तत् और सम, मतलब उसके समान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात तत्सम उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में यथावत ले लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वर्षा, श्लोक। अग्नि जो है ये तत्सम वर्ड है ना, वर्षा, श्लोक, कृपा आदि तत्सम वर्ड है। तत्सम शब्द के प्रकार, परंपरागत तत्सम शब्द और निर्मित तत्सम शब्द। परंपरागत शब्द जो शब्द संस्कृत वाङ्मय में उत्पन्न उपलब्ध है परंपरागत तत्सम शब्द कहलाते हैं। निर्मित शब्द जो शब्द नए विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए गए, मतलब ये संस्कृत के व्याकरण के द्वारा अपनाए गए हैं। आज भी अनेक साहित्यकार छायावादी और उसके बाद के कवि विचारकों, विद्वानों और अन्य द्वारा आवश्यकता अनुसार तत्सम शब्दों का निर्माण किया जा रहा है। बस आज भी संस्कृत के व्याकरण को उपयोग करते हुए कुछ तत्सम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे देख लीजिए, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो वास्तव में तद्भव होने पर भी देखने में पराया तत्सम मालूम पड़ते हैं, इसलिए बहुत से लोग उन्हें भूल से तत्सम ही समझते हैं और मानते हैं। जैसे निराशा संस्कृत का शब्द नहीं है, यह शब्द आशा में हिंदी का निर उपसर्ग जोड़कर निराश में वो ये आ का डंडा जोड़कर बना लिया गया है, अतः यह भी तद्भव शब्द ही है। निराशा जो है ये तद्भव ही है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में तद्भव शब्द के तत्सम रूप देखने को मिलते हैं, अतः छात्र के सुविधा अनुसार तत्सम तद्भव शब्दों की सूची दी जा रही है, इनको आप पढ़ लीजिए। तो चलिए इनको पढ़ते हैं और रिवाइज करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। तो अंगुरी, अंगुली, अंगुली, तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? अंगुली, जिसमें छोटी ई की मात्रा हो। अच्छर, ये चा छा मच्छर वाला अक्षर नहीं होगा, ये शा होगा जो क्षत्रिय वाला है। तो ये हो गया अक्षर। उसके बाद अंगूठा, तो अंगूठा नहीं होगा, अंगुष्ठ होगा, इसमें अधिष्ठात्री वाला अंगुष्ठ, तो ये तत्सम शब्द होगा। अफीम ना हो कि ये अहिफेन होगा, ये तत्सम शब्द अहिफेन है इसका। अनाड़ी का तत्सम जो होगा वो अनर्थ होगा, अनाड़ी नहीं है, अनर्थ है, जो अनर्थ कर दे। अंजलि का होगा ये अन और जली नहीं होगा, ये ऐसा अंजलि होगा, ठीक है, ना आधा यहां पर लगेगा अंजलि। अंगारा का अंगार होगा, जो डा के नीचे गा लगेगा, आधा अंगार। अगले शब्द देख लेते हैं। अटारी का होगा अट्टालिका, अटारी का नहीं होगा, अटारी जो बालकनी कही जाती है इंग्लिश में, उसे अट्टालिका, अट्टा जो है डबल आधा लगेगा। तो इसे ध्यान से देखिए, ये आता ही रहता है आरओ में, पीसीएस वगैरह में, हिंदी में आता रहता है ये शब्द। अजान का होगा अज्ञान, तो ज्ञा वर्ड का नाम क्योंकि ज्ञा, ज्ञानी वाला ज्ञा, अज्ञान होगा। अगुवा का होगा अग्रणी। उसके बाद अस्सी का होगा अशीति,
शी, जो प्रतिशत वाला शा है वो अशीत ही होगा, असी में। अस्तुति का होगा अस्तुति, अस्तुति आ नहीं लगेगा, स्तुति लगेगा, ये साधा रहेगा। अकाज का होगा अकार्य, मैं बिना कार्य के। अंग रखा नहीं होगा, अंग रक्षक होगा, जो अंग की रक्षा करता हो। जैसे कि आजकल अंग रखा लोग स्कार्फ जो होता है सूती, या जो टॉवेल ऐसी होती है हल्की सूती, उसको भी अंग रखा कहते हैं। तो वो अंग रक्षक है, शुद्ध वर्ण शाह है, क्षत्रिय है, अंग रक्षक। फिर अंगीठी का अंगनिष्ठिका, जैसे प्रतिष्ठापना में ष्ठा है ना, वही अंगनिष्ठिका है। फिर अंगुष्ठिका, अंगूठी नहीं होगी, अंगुष्ठिका। अंगीठी और अंगूठी समझ लीजिए, अंगूठी हाथ में रिंग पहनने वाली, अंगीठी आप समझ ही रहे हैं, आग कोयला वेला जलाने वाली। अंगोछा का होगा अंग प्रोक्षा, मतलब अंग को पोंछने के लिए होगा अंगोछा, अंगोछा। तो ये तो तद्भव हो गया, अंग प्रोक्षा है, प्रोक्षा डबल पाई है और नीचे रा है। अनरक का होगा अक्र, अंतड़ी का होगा अत्र, जो अंतड़ी आंत होती है जिसे इंस्टेंटाइन कहते हैं इंग्लिश में, उसे अत्र कहेंगे, अंत्र। अंधा का होगा अंध, फिर अंधेरे का हो जाएगा आपका अंधकार, और अंश का हो जाएगा अंश, अंश नहीं होगा अंश होगा। अकेला का होगा एकल, अखाड़ा का होगा अक्षवाट, अखरोट का होगा अक्षोर, अखरोट नहीं कहा जाएगा, अक्षोर कहा जाएगा। अगहन का होगा अग्रहायण, अगम का होगा अगम्य, अगाड़ी का होगा अग्रणी, अनाज का होगा अनाद्य, आकाश का होगा आकाश, आश्चर्य अचरज तद्भव होगा, आश्चर्य होगा उसका। 28 को होगा अष्टाविंशति, भाई विंशति का मतलब हो गया आपका 20, और अष्टा का मतलब हो गया 8, तो हो गया अष्टाविंशति। बस इस तरीके से तद्भव शब्द होंगे। उसके बाद 98 का होगा अष्टनवति, तो 9 हो गया, नवति हो गया मतलब 90, और अष्ट हो गया मतलब 9, तो अष्टनवति मतलब 98। 88 का मतलब 80, तो अष्टाशीति, आशीति। 88 का मतलब हो गया अष्टाशीति, और अठकेली का हो गया अष्ट। 18 का होगा अष्टादश, दश और अष्ट का जो संधि की, तो अष्टादश मिला आपका। 28 का हो गया अर्ध तृतीय, 28 मतलब तृतीय और प्लस अर्ध मतलब तीसरा और आधा कम, तो अर्ध तृतीय 28। 68 का पढ़ेंगे तत्सम अष्टाजष्टि, 68 का अष्टाजष्टि। अदरक का आद्रक, ये बहुत आता है वर्ड, इसको ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 58 का होगा अष्टापंचाशत, मतलब 50 और प्लस 8, अष्टापंचाशत। अर्ध पूरक अनुत्थ, फिर अनि का अणि, अपाहिज का अपाद हस्त, अपाहिज नहीं होगा उसका, होगा अपाद हस्त, ठीक है। अब नीचे इधर से देख लेते हैं। आठ का हो जाएगा अष्ट, आधा का हो जाएगा अर्ध या अर्ध ऐसे नीचे को धा। फिर आलीस का हो जाएगा चत्वारिशत, चत्वारिशत जैसे 40 होता है 42 होता है, वैसे आलीस। चत्वारिशत मतलब 4 और प्लस 40, आलीस। चत्वारिश मतलब 4 और रिशत। आवा का हो जाएगा आपाक, आरसी का होगा आदर्शिका, आवन का हो जाएगा पंचाशत, आंवले का हो जाएगा आमलका, आमला है आमलका। आब का हो जाएगा आमा, आंच का हो जाएगा अर्ची, आंशु का हो जाएगा अश्रु, जो श्रा है श्रमण वाला। आगे देख लेते हैं, आंत का हो जाएगा आंत्र, यही आंत हमने पहले पढ़ा था, आंत्र भी से है, आंत है ये आंत्र। इसमें जो बिंदी वाली आंत्र है, आसरा का आश्रय होगा, आम का होगा आम्र, आश का होगा आशा, आशा। आंख का होगा अंग, एक का नीचे आधा लगा हुआ है डा में। आलस का आलस्य, आंख का होगा अक्ष, आज का होगा अध, आग का होगा अग्नि। अक्षत का हो जाएगा आपका अक्षत,
अक्षत का क्या होगा? अक्षत। अर्पण का होगा अर्पण। अधर्म का होगा अधर्म। आहीर का होगा आभीर। ये यहाँ पे हम तत्सम पढ़ रहे हैं, ये है तद्भव। अढ़ाई का अर्ध तृतीय, देखिए उधर भी हम देख चुके हैं। आषाढ़ का आषाढ़, अनाज का अन्न कहेंगे। अलग का अलग्न। अगाड़ी का अग्रवर्ती, ये इंपॉर्टेंट है। अग्रवर्ती इंपॉर्टेंट क्या है? अग्रवर्ती, अगाड़ी मतलब आगे आने वाला, अग्रवर्ती। अमावस का अमावस्या, ये इंपॉर्टेंट है। अमचूर का आम्रचूर्ण, ये इंपॉर्टेंट है। अमी, अमीय का अमृत। अम्मा का अम्ब। अपना का आत्मना। तो इस तरीके से हमने ये देखे, आगे भी देखते हैं। आम का, आप का हो जाएगा आत्मा, मतलब अगर कहते हैं आप बैठिए, आपका शुद्ध वर्ड क्या है? आत्मा। आपका तात्पर्य किससे लगाएंगे? आत्मा से। आढ़त का, आढ़त पे बैठे हैं वो, तो आढ़त्य होगा इसका वर्ड। आभूषण का आभूषण हो जाएगा आभूषण। शा ये षटकोण वर्णा। आयुषु, आयुषु शुद्ध वर्ड है। आयुषु, आयुषु करना। आदेश, ऑर्डर जिसे कहते हैं हम। आधीन नहीं होता है, अधीन शुद्ध वर्ड है। अधीन गलत है, अधीन होगा। अधीन, आवधीन नहीं, ये छोटी की मात्रा होगी, अधीन। आचार, आचर का होगा आंचल। आचर नहीं होता है, आंचल होता है। माँ का आंचल जैसे कहते हैं। इलायची का होगा एला। इमली का होगा अम्लिका। इकट्ठा का होगा एकत्र, एकस्थ। इसका होगा एतस्य। इतवार का होगा आदित्यवार। इतना का होगा इयत। उड़ का होगा उड्ड। उबालना का होगा उद्वालन। 19 का होगा उनविंशति। 19 मतलब 19, तो उनविंशति, विंशति और उन, तो ये 29 होगा। उनविंशति है मतलब ये 19 है, उनविंशति। 29 कहेंगे तो उनतिंशति पढ़ेंगे, 29। और 39 कहेंगे तो उनचत्वारिंशति पढ़ेंगे। उन का मतलब ये होता है इसमें एक कम होगा। चंतुआरिषित मतलब शतक जो होगा उसमें एक कम होगा। इस तरीके से आप ये ध्यान रखिए, 29 का है, 29 है मतलब 19 है, 39 का मतलब 29 है, 29 है, ये 19 है, और 39 का 39 है। 49 का मतलब 49, 49। और उन यहाँ पे पूरा बड़ा वाला ऊ लगा हुआ है, उन। तो उद्वालन का मतलब होता है उबलना, द्वालन मतलब उबलना, उद्वालन। विंशति, त्रिंशति, चत्वारिशत, पंचाशत, ये याद ध्यान रखिए। उगना का होगा उद्गत। उगलना का होगा उद्गलन। उघाड़ना का होगा उद्घाटन। कितने उघाड़ दिए सब कुछ, गड़बड़ कर दिए सब, उघाड़ दिए, तो ये तद्भव हो गया। उसका मतलब होता है उद्घाटन, जिसे हम कहते हैं इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन सेरेमनी करते हैं। उजड्ड का होगा उजड्ड। जा डबल होंगे, डा नहीं डबल होगा, उजड्ड। उपास, जिसे व्रत कहते हैं, फास्टिंग करना कहते हैं, उसे उपवास कहेंगे, फास्ट रखना, व्रत करना। उसास का है उच्छवास। उजला का है उज्जवल। उजला नहीं होगा, उजाला होता है जैसे, वो भी तद्भव है। उज्जवल होगा इसमें, ये आ चुका है आपका। जा दोनों ही आधे हैं, वा उल्ला। ये अभी यूपी ट्रिपल एससी की कनिष्ठ सहायक में आया था शायद, तो उज्जवल है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें डबल जा होगा। आगे देख लेते हैं। 31, एक त्रिंशति। एक 31 मतलब 31, मतलब त्रिंशति और प्लस एक, तो एक त्रिंशत। 41 का एक चत्वारिशत। 61 का एक षष्ठ। 21 का एक विंशति। 81 का एकाशिति। 51 का एक पंचाशत। तो ये एक से वर्ड जो है वो पंचाशत लिखेंगे। तो इस तरीके से उन वाला जो मैटर है वो एक माइनस करके, अगर उन पंचाशती लिखेंगे, पंचाशत लिखेंगे, तो मतलब ये 49 है। उन पंचाशत मतलब उसमें 50 में एक कम है। 31 का मतलब है एक 30 और एक 31, तो एक त्रिंशति, चत्वारिंशत, षष्ठी, विंशति मतलब 20। तो ये याद रखिए। 81 का मतलब है एकाशीति। शीति जो होता है वो 80 है, ये याद रखिए। पंचाशत मतलब 50। अब इधर उल्लू देख लेते हैं। उल्लू को नहीं होता है, उलूक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आता ही रहता है एग्जाम्स में।
ऊन का ऊन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऊंचा नहीं होता है, उच्च होता है, उच्च पद पर आसीन है। ऊंट उष्ट्र होता है, उखल उदखल होता है, ऊसर का वंध्या होता है। आगे देख लेते हैं ईधन, ई से रिलेटेड वर्ड है ये, ईधन ना हो कि ईधन, ये ई में ई बिंदी वाली मात्रा होगी, ईंधन। ईख नहीं होगा, इक्ष होगा यहाँ पे, शा क्षत्रिय वाला फिर से आ गया, देखिए क्षत्रिय इक्षु। ईर्ष्या नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगा, ईर्ष्या में दोनों में मात्रा होगी, ये ध्यान रखिए, दोनों जगह मात्रा होगी। ईंट नहीं होगा, इष्टिका होगा, तो कोई भी घर में ईंट बन रही हो तो आप कहें इष्टिका ले आए। एड़ी का अंडी होगा, ये तो तत्सम गलत, अच्छा नहीं लग रहा है ना, एड़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे, चलिए फिर भी ये अंडी है। एवज का मतलब स्थानापन्न, एवज मतलब इसकी एवज में आप उनको ले आइए, एवज का मतलब स्थानापन्न, मतलब कि इन प्लेस ऑफ, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इन प्लेस ऑफ, तो एवज का मतलब स्थानापन्न, मतलब उसके स्थान पर इनको ले आइए, तो इन प्लेस ऑफ। एका का मतलब एक, क्या एकलौता का मतलब एकल पुत्र जिसे कहते हैं, एकलौता है वो। उछाह जिसे उछाह, तो उत्साह, उछाह तद्भव हो गया, उत्साह आपका शुद्ध वर्ड हो गया। वीडियो एग्जाम में 81 में आया है, आरएस में आया है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में। उछाह उत्साह का मतलब है, उत्साह मतलब कि एक्साइटमेंट बहुत है ना, एक्साइटमेंट, सीखने का एक्साइटमेंट, जॉब पाने का एक्साइटमेंट, जॉब में काम करने का एक्साइटमेंट, शादी का एक्साइटमेंट, सबका एक्साइटमेंट है। उपरोक्त उपरयुक्त, उपरोक्त नहीं होता है, ये तद्भव शब्द है, उपरयुक्त होता है। उपरोक्त जो है उक्त हो गया, ये गड़बड़ है, उपरयुक्त है, ये जो है शुद्ध तत्सम वर्ड है उपरयुक्त शब्दों में। उबटन नहीं लगती है, जो हल्दी की उबटन लगती है वो उबटन नहीं है, बल्कि उद्धृतन है, उद्धृतन है, उद्धृतन, ये ध्यान रखिए वर्ड। उल्लू का उल्लू हम पढ़ चुके हैं, उलाहना उपालंब है, किसी का मजाक उड़ाना, उपालंब करना। उठान उत्थान पे है, ये सही है वर्ड। उसका है अम्युष अमुष्य, है ना। उपजना का मतलब है उत्पद्यते, इधर देखते हैं। ऐशा का मतलब है ईशा ईदृश, ऐसा का हो जाएगा ईदृश, ओखली का हो जाएगा उल्लूखन, ओखली का क्या हो जाएगा उल्लूखन, इसे ध्यान रखिए, ओखली का उल्लूखन। ओठ का हो जाएगा ओष्ठ, ओर का हो जाएगा अवर, ओस का हो जाएगा अवश्याय। तो ये कुछ अटपटे वर्ड है, इनको ध्यान से आप देख लीजिए। अगला हम देख लेते हैं अवगुण, अवगुण जो नहीं होता है, जिसे कहते हैं बड़ा अवगुण है आप में, तो ये शुद्ध वर्ड है, तत्सम है, ये अवगुण हो जाएगा। इसका तद्भव औंधा, औंधा मुंह गिरे, तो अवमूर्ध, अवमूर्ध मतलब जैसा मुंह था उसी के बल गिरे, औंधा मुंह, औंधा हो गए, अवमूर्ध। और का मतलब अपरम, अपरंपार नहीं था, मतलब कि और पार हो गए, अपरंपार जिसे कहते हैं, तो और पार, और ये तत्सम है वर्ड। क्रोधित का क्रुद्ध होगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, आया हुआ है। कुंजी का होगा कुंजिका, कुंजिका हो सकता है, ये अच्छा हो सकता है, कुंजी नहीं होगा, कुंजिका। क्रोधी का क्रुद्ध फिर से डबल हो गया, कहां तो कुत्र गए, कुत्र किंवती है ना, कुत्र कहां गए। कोदो का होगा कोद्रव, कहार का होता है स्कंधार, कहार नहीं पढ़ते तो स्कंधार, स्कंधार। कंगन का होगा कंकण, कंकण। कंगी का होगा कंकती, जो कंगी आप करते हैं जिसे कॉम कहते हैं, इसे कंकती कहते हैं। कंबल का होगा कमल, मतलब लोटस का फूल, हमारे बीजेपी का साइन। कई का होगा कती, कचहरी का कहेंगे कृत्य ग्रह। कंधा का कहेंगे स्कंध, जो कंधे होते हैं हमारे इस तरीके से, इन्हें कहेंगे स्कंद, है ना। और के का मतलब करते कार्य। केला का कदली, ये इंपॉर्टेंट है, कदली। किवाड़ का कपाट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्तव्य का कर्तव्य, काम कर्म का कर्म। आगे देखते हैं कपूत और कुपूत का होगा कुपुत्र, ये ध्यान से देखिए सब आया हुआ है, तो कुपुत्र, कुपुत्र, कुपुत्र। कपूर का होगा कर्पूर, कर्पूर, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद हारम सदा वसंतम हृदय अरगिंदे भवम भवानी, है ना, तो वो कर्पूर गौरम। कछुआ का हो जाएगा कच्छप, कबूतर का हो जाएगा कपोत, कपोत, ध्यान रखिए कपोत, कबूतर का कपोत मतलब कि पिजन। करोड़ का हो जाएगा कोटि,
करूर, जिसमें ज्यादातर बजट करोड़ में रहता है आपका। किशन का हो जाएगा कृष्ण। कृष्ण देखिए काला होता है, कृष्ण है, कृष्ण का संबंधित है कृष्ण, काला मतलब होता है इसका, और कृष्ण भी होते हैं, तो किशन, जो किशन ही है, किशन का ही नाम है, किसान नहीं है यहाँ पे, मैं गलत समझ रहा था, किशन ही है, तो कृष्ण नाम हो गया इनका। किशन का मतलब काला होता है वैसे। कारज का हो गया कार्य, कुदारी का हो गया कुदाल, कच्चा का हो गया कुपच, मतलब अगर कच्चा खाना बना हुआ है कहते हैं तो उसका मतलब है कुपच, ये मतलब जो पचने के लायक ना हो, कच्चा मतलब जो पचने के लायक ना हो तो उसे कहेंगे कुपच। जैसे सुकुमार और कुकुमार, मतलब अच्छा नहीं है वो, कु मतलब अच्छा नहीं है। किसान का मतलब कृषक, कुत्ता का मतलब कुकुर, कुकुर दोनों में छोटी की मात्रा याद रखिए, बीच में आधा का है कुकुर। कंगाल का होगा कंगाल, इस तरीके से लिखेंगे कंगाल, ये गा आधा नीचे है कंगाल। फिर कौड़ी का जो है, कौड़ी के भाव बिकोगे तुम तो करपादिका, करपादिका ध्यान रखिए। इधर देख लेते हैं हम, कचहरी का कर्तव्य है कटघरे, कास्ट ग्रह, कटघरे का मतलब क्या होता है, जो कोर्ट में कहते हैं कि आप कटघरे में आइए फिर अपनी बात कहिए, तो कटघरे का मतलब है कास्ट ग्रह, मतलब कि वुडन का एरिया, कास्ट मतलब वुडन, ग्रह का मतलब एरिया, वुडन एरिया। कटहल का मतलब कटफल, कटपुतली का मतलब कास्ट पुतलिका, कास्ट की कटपुतली, ये भी काट, कट का मतलब क्या है, लकड़ी है, पुतली का मतलब कोई खिलौना, तो कास्ट पुतलिका, पुतलिका। कड़ा का हो जाएगा कराह, कल का हो जाएगा कल्य, कहानी का होगा कथानिका, कथानिका। कड़ुआ का कटु, कपड़ा का करपट, करपट ये यूपी पीसीएस में आया हुआ है। कब का हो जाएगा कदा, कांच का हो जाएगा काच, कांच, इसमें चंद्रबिंदु नहीं है तो कांच ध्यान रखिए। का हो जाएगा कृत, मतलब क्या काम करने जा रहे हो, का कृत। काट का हो जाएगा कर्त, काटना का कर्तन। काढ़ा का क्वाथ, क्वाथ पी लीजिए, क्वाथ पीजिए, मतलब जैसे नहीं जो दवाइयां आती हैं, तो ये क्वाथ है, सागर क्वाथ है, क्वाथ, तो क्वाथ का मतलब काढ़ा ये दिया गया है, क्वाथ का मतलब काढ़ा। अगला वर्ड देख लेते हैं हम, कसेरा का मतलब है कांस्य कार, कसेरा का मतलब कांस्य कार, मतलब कि कांस मतलब तांबा, जो तांबे को, कॉपर को पिघला के जो चीजें बनाते हैं वो कांस्य कार, कसेरा तद्भव वर्ड है, कांस्य कार मतलब कांस्य कॉपर की चीजें जो बना लेते हैं। और कांटा का मतलब कंटक, कंटक लग गया कांटा। कपास का कर्पास, काज कारज का कार्य, कान का हो जाएगा कर्ण, कर्ण मतलब ईयर्स, ईयर्स जो होंगे हमारे। और काठ का हो जाएगा कास्ट, वही मतलब काठ वुडन, जैसे काठ कटघरे में आई है तो कास्ट वुडन। कुटुम्ब, कुटुम्ब नहीं होगा कुटुम्ब होगा, माँ और बा होगा कुटुम्ब, जैसे कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब पृथ्वी हमारा पूरा ग्रह है, घर है, कुटुम्ब का मतलब ग्रह है। कृपया का मतलब हो जाएगा कृपया, कान्हा किशन जो हम पढ़ चुके हैं। कृष्ण इसका मतलब है जिसे काला भी कहते हैं। किस का मतलब कस, शुद्ध वर्ड है, किस को जो है कश होगा, किसम हो जाएगा कृषाण। कीड़ा का हो जाएगा कीट, किसे ध्यान रखिए, कीटनाशक इसी से बना हुआ है, कीटनाशक जो होता है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जिसे कहते हैं वो कीड़ा कीटक से बना है। कुवारा कुमार का, कुम्हड़ा कुष्मांड, इस तरीके से देखिए। कूड़ा का हो जाएगा कूट, जो कूड़ा है आपका है ना, जिसे हम कहेंगे जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है तो उसे कूट कहेंगे। वैसे कूट का मतलब होता है कोडिंग करना, अगर हिंदी में आता है इस कूट में लिखिए तो इस कोड में लिखिए होता है, लेकिन यहाँ तत्सम वर्ड इसका है कूड़े का कूट, जिसे वैसे कहते हैं कूटनीति या कूट शब्द जो इस कूट में परिवर्तित कीजिए उसका मतलब होता है कूड़ है ना, लेकिन यहाँ पे कूड़े का कूट है तत्सम, तो दोनों को समझिए। केवट का मतलब हो जाएगा कैवर्त, कैवर्त ये केवट है, केवट मतलब जो आपकी नाव को पार लगा रहा है, नाव को चलाने वाला है, जो केवट, केवट कौन थे, जो राम जी गए थे तो उन्होंने अपनी अंगूठी केवट को दे दी थी, तो वही कैवर्त है वो। कैसा मतलब की दृश्य, कैसा दिखने वाला है, की दृश्य कैसा। कैथा का मतलब कपित, कोई का मतलब को अपी, इसे डा नहीं पढ़ेंगे, को अपी ये संस्कृत का वर्ड है, कोई का को अपी, इसे ध्यान से देखिए। कोठारी मतलब कोई कोठारी है, कोई रखने वाला है, तो कोष्ठागारिक, कोष्ठागारिक, कोष्ठागारिक। कोढ़ जो हो जाता है जिसे लेप्रोसी कहते हैं, लेप्रोसी जिसे कहते हैं वो कुष्ठ है, उसके बाद कोढ़ी आ जाता है, अगर कोढ़ी है तो वो कुष्ठी कहा जाएगा। कोख
आपकी कोख में हमारा पुत्र है ऐसा कहा जाता है, तो वो कुक्ष होगी। कुक्ष कोने का मतलब कोण, कोना कहते हैं ना, इस कोने में चले जाओ, तो इस कोने का मतलब है उस कोण में चले जाओ, उस कोने में कोण। कोप का मतलब है कोश का मतलब, कोश सा सिंपल और नहीं है, क्रोश होगा। कोहनी का मतलब कफोड़ी होगा। कौन का मतलब का पुनः होगा। खैर का मतलब खदिर, जिसके खैर छोड़िए, खैर छोड़िए, खदिर होगा इसका वर्ड, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। खोदना का छोदन हो जाएगा, खुर का छुर हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। खुर जो होता है ये इंपॉर्टेंट है आपका। खुजली का खर्च हो जाएगा, खाना का खादन हो जाएगा, खान का खनी हो जाएगा, खाट का खटवा, खंडहर का खंड ग्रह होगा, ये इंपॉर्टेंट है। खजूर का खरजूर हो जाएगा, खत्री का क्षत्री हो जाएगा, खांसी का कास हो जाएगा, खाई का खाती हो जाएगा, खाजा का खाद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कौवे का काक हो जाएगा, कौवा जो है उसे काक पढ़ेंगे। कौर का कवल हो जाएगा, कोयल का कोकिल हो जाएगा, क्या का किम हो जाएगा, क्यारी का केदारिका हो जाएगा, क्यों का किमपुन हो जाएगा, किलोल का कल्लोल हो जाएगा, किलोल जिसे पढ़ते हैं कल्लोल होगा, कान का कर्ण होगा, काना का काणा होगा, कासा का कांस्य हो जाएगा, कांस्य कांसा जिसे पढ़ते हैं वो कांस्य मतलब ब्रॉन्ज, कांस्य कॉपर नहीं होता है, कांस्य युग जो है, कांस्य युग तो वो ब्रॉन्ज एज है ना, गलत बोल गए थे हम। काजल का कज्जल हो जाएगा, केहरी का केसरी हो जाएगा, कार्तिक का कार्तिक हो जाएगा। गवार जो है वो ग्रामकार है, ग्रामीण है जिसे कहते हैं, गवार कहते हैं, गवार आ गया देखो तो वो ग्रामीण आ गया, ग्रामीण कहें तो देखिए कितना अच्छा वर्ड है, और गवार कहते हैं तो कितना गलत लगता है, तो ग्रामीण होगा। गधा का गर्दभ अगर कहें, देखिए गर्दभ आ गया साहब, गर्दभ साहब तो कितना अच्छा वर्ड लगे, गधा गलत है। गवैया का गायक हो जाएगा, गवैया आ गया देखो, गवैया आ गया गवैया, और गायक आ गया सिंगर आ गया, तो देखिए कितना सम्मानजनक वर्ड। गाँव ग्राम कहते हैं तो गुरुग्राम हो गया, अब तो एक गुड़गांव को भी गांव बना दिया गुरुग्राम। गाय को गौ कहेंगे, गो गड्ढा का गर्थ होता है, गिद्ध का गृद्ध होता है, गोबर का गोविष्ट कहते हैं, गुण का गुण होता है, गेहूं का गोधूम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है आप देख रहे होंगे। गहरा का गंभीर हो जाता है, गंभीर गौतम गंभीर जो हमारे बीजेपी के नेता हो गए हैं, गाजर हो जाता है। अगला देख लेते हैं, खंबा का स्तंभ होगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए एपीओ में आया है। खोता का खगायतन हो जाएगा, खीर का छीर हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। खप्पर खपड़ा का खरपर हो जाएगा, खार का छार हो जाएगा, खलित का स्खलित हो जाएगा, तो खलित हो गया मतलब बेकार हो गया, स्खलित हो गया, ये आप समझ ही रहे होंगे है ना। और खेत का क्षेत्र हो जाएगा, खेती का क्षेत्रित हो जाएगा, गेंद का कंदक हो जाएगा, गूंजना का गुंजन हो जाएगा, गोसाई का गोस्वामी, तो सभी लोग गोस्वामी बन जाते हैं, जो ये इसका तद्भव है गोस्वामी होता है। गुफा का गुहा होता है, तो कितनी गुफाएं पाई गई तो गुहा लेख कहते हैं, गुहा लेख मतलब गुफाओं में लिखे गए लेख। गाहक मतलब ग्राहक हो जाएगा, गाभिन का गर्भिणी हो जाएगा, गागर का गरगर हो जाएगा, गांठ का ग्रंथि, तो ग्रंथि देखिए पड़ी होगी अपने, गांठ नहीं कहते हैं उसे, वो ग्रंथि होती है, तद्भव है ये। गलना का गलन हो जाएगा, कितनी गलन है तो शुद्ध वर्ड है, गलना नहीं होगा। गाजर का गर्जन हो जाएगा, ये भी आप वर्ड देख लीजिए। अगला हम देख लेते हैं, गोद का क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गोरा का गौर हो जाएगा, गुह का गोधा हो जाएगा, गौना का गमन, ये इंपॉर्टेंट है। ग्यारह का एकादश, ये इंपॉर्टेंट है। ग्वाला का गोपालक, गर्मी का गर्भ हो जाएगा, गाड़ी का गर्त हो जाएगा, ग्राहक का ग्राहक हो जाएगा, ग्राहक नहीं होता है ना, ग्राहक होता है, ये इंपॉर्टेंट है। गिनना का गणना हो जाएगा, ये ज्यादातर देखिए जनगणना और आपको विभाग में गणना ही शब्द, गिनना नहीं होता है, गणना का शब्द उपयोग होगा आपका। गणेश का गणेश हो जाएगा, गलत का गलत होता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट आईएएस में आया हुआ है, कैसा गलत शब्द पूछ दिया गया। गर्दन का ग्रीवा होगा, तो देखिए ग्रीवा किसी की बड़ी है तो ग्रीवा ही होगा। गेरू का गैरिक होगा, चोरी का चौर्य होगा,
चौर्य होगा चोरी हो गई, चीता का चित्रक होगा चौपाया का चतुष्पद हो जाएगा, चोंच का चक्षु कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, चमड़ा का चर्म होता है चर्मकार जिसे कहते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है देख लीजिए, चुल्लू का चुल्लूक हो जाएगा, चूना का चूर्ण हो जाएगा, जैसे चूना क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, चकवा का चक्रवाक हो जाएगा, चक्का का चक्र हो जाएगा, चवाना का चरवण हो जाएगा, चांद का चंद्र हो जाएगा, चांदनी का चंद्रिका हो गया, चार का चत्वारी हो जाएगा, चालीस का चत्वार इंशत हो जाएगा, तो चत्वार इंशत का मतलब 40 पूरा पूरा हो गया ये, ठीक है। घी का घृत हो जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, घर का ग्रह हो जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है ग्रह हो जाएगा, घास का घात होगा, घड़ा का घट होगा ये इंपॉर्टेंट है, घड़ी का घटिका हो जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट, घोड़ा का घोटक हो जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, घाट का घट होगा, घरनी का गृहणी होगा, घिन का घृणा होगा ये भी इंपॉर्टेंट है, घाम का घर्म हो जाएगा, घाव का घात हो जाएगा, घाव का घात, घिसना का घर्षण हो जाएगा, घुघची का गुंजा हो जाएगा, घूंघट का गुंठन हो जाएगा, चाहे का चक्षते हो जाएगा, चिड़िया का चटिका होगा, चिकना का चिक्कण होगा, चुनना का चुनौती होगा, चुनौती चुनना नहीं इलेक्शन या सिलेक्शन जिसे कहेंगे, चूमना का चुंबन हो जाएगा, ये तो आपने वर्ड सुना ही होगा चुम्बन, चूमना तो तद्भव हो गया, चैत का चैत्र हो जाएगा, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ तो चैत्र हो गया, चौंतीस का चतुष त्रिंशत और चौक का चतुष्क हो जाएगा, चौखट का चतुष्काट हो जाएगा, भाई चतुष्खट है ना तो ये जो खट है वो लकड़ी की है तो चतुष्काट होगा इसका, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, चौथाई का चतुर्भागिक होगा चतुर्थ भागिक, चौथा का चतुर्थ हो जाएगा, चौदह का चतुर्दश हो गया, चौबीस का चतुर्विंशति, भाई विंशति बीस होता है, चौरासी का चतुर्शीति तो अस्सी का शीति होता है देखिए हमने पढ़ा था, चौरी का चमरी हो गया, चौसठ का चतुष्ठी, तो अष्टी का जो है वो अस्सी होता है, साठ होता है, चौहत्तर का तो चौहत्तर का चतुष्सप्तति हो जाएगा, चौबे का चतुर्वेदी, जो चौबे कहते हैं उनका मतलब है चतुर्वेदी, चरित का चरित्र हो जाएगा, अगला देख लेते हैं, चख का होगा चक्षु, चख क्या हो जाएगा चक्षु हो जाएगा, उसके बाद चमार का हो जाएगा चर्मकार, चना का हो जाएगा चणक, चोर का हो जाएगा चोर, चितेरे का हो जाएगा चित्रकार, चूरन का हो जाएगा चूर्ण, इसे ध्यान से देखिए, चरण का हो जाएगा चरण, चाक का हो जाएगा चक्र, छाजन का हो जाएगा छादन, ये देखिए आया हुआ है, छा का हो जाएगा छाया, क्षति का हो जाएगा क्षति, छह का हो जाएगा शट, छेद का हो जाएगा छिद्र, इसे ध्यान से देखिए, शकट छड़का छकड़ा का हो जाएगा शकट, छाया का हो जाएगा छत्र, छत का हो जाएगा शत्र, छक्का हो जाएगा शटक, छटा का हो जाएगा षष्ठ, छत्तीस का हो जाएगा षट त्रिंशत, छप्पन का हो जाएगा षट पंचाशत, और छब्बीस का हो जाएगा षट विंशति, छब्बीस का हो जाएगा षट विंशति, छब्बीस का क्या है षट विंशति, छियालीस का हो जाएगा षट चत्वारिंशत, छाता जाएगा छत्रक, छिलका का हो जाएगा शकल, छुरी का हो जाएगा छुरिका, छेनी का हो जाएगा छेदनी, छोड़ना का हो जाएगा छोदन, छीन का हो जाएगा छीण, छोटा का हो जाएगा छुद्र, जवान का हो जाएगा युवक, जवान का हो जाएगा युवा, जो जवान कहते हैं जब हम जवान होंगे जाने कहां होंगे, तो वो जवान जो है तद्भव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं नायक नायिका, तो उनको कहें कि जब हम युवा होंगे जाने किस पार्टी के युवा अध्यक्ष होंगे, तो जंग का हो जाएगा जंघा, जागना का हो जाएगा जागरण, जाड़ा का हो जाएगा जाट्य, जाना का हो जाएगा याति, कोई कहे जाना है तो कहने नहीं याति है जानना का हो जाएगा ज्ञान नॉलेज, जजमान का हो जाएगा यजमान, यजमान यहाँ बैठी है तो जजमान जो कहते हैं वो कह दो गलत,
यजमान तद्भव है, गलत नहीं है, तद्भव शब्द है, प्रयोग कर सकते हैं। जिसका हो जाएगा यश्य, जेठ का हो जाएगा ज्येष्ठ, जो जेठ होते हैं। जैसा का हो जाएगा यादृश, यादृश मतलब जैसा दिखने वाला, यादृश जैसा, जैसा तद्भव है, यादृश सही वर्ड है, तत्सम है। योगी का हो जाएगा योगी, तो योगी आदित्यनाथ, ये तत्सम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जोड़ा का हो जाएगा युक्त है। जामुन का हो जाएगा जबुल, तो जामुन हम यूज करते हैं, जामुन अच्छा लगता है, जबुल अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन ये तत्सम शब्द है। ज्योत का हो जाएगा ज्योति, तो ज्योत से ज्योत जलाते, ज्योत से ज्योत जलाते रहो, ये भजन में होता है, लेकिन होता है ज्योति। जन्म का हो जाएगा जन्म, जन्म 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 साथ चल, ये तद्भव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं गाने में। जन्म तो होगा जन्म जन्म, और वैसे होगा जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म होगा तत्सम। योद्धा का हो जाएगा योद्धा, जुआ का हो जाएगा दूत दूत, झट का हो जाएगा झट, ये झरना वाला जहा है, झटिका यही यूज होगा, झटका। झरोखा का हो जाएगा जालक, इसमें यार झरोखम जालक में कुछ गड़बड़ है। छिन का हो जाएगा क्षण, क्षोभ का हो जाएगा क्षोभ, फिर जीव का हो जाएगा जीवा, जीव का क्या हो जाएगा जीवा। जुगति हो जाएगा युक्त, जुगति नहीं लगती, युक्ति लगती है, मतलब की युक्ति मतलब जुगाड़, और भी शुद्ध वर्ड कहते हैं। जंगला का हो जाएगा वातायन, वातायन का मतलब जहां पे हवा शुद्ध चले, वातायन वातानुकूलित हो, तो वातायन जंगला। जमाई का जमाता, जौ का जब हो जाएगा, जौवन का यौवन हो जाएगा, तो जवा भी नहीं होता है और यौवन भी नहीं होता है, युवा होता है यौवन होता है। जमुना का हो जाएगा यमुना, जामुन का जम्बुल। जब होगा यदा, यदा यदा ही धर्म से मतलब जब जब हो धर्म की हानि, है ना, तो जब का यदा। जहां का हो जाएगा यत्र, यत्र यत्र नारस्त पूजन्ते तत्र देवता ही रमन्ते, तो जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जहां तद्भव यत्र तत्सम। जड़ का जटा, झरना का निर्जर, झंडा का ध्वज, जीना का जीर्ण, झूठा का जुष्ट। अगर कहते कौन मुंह कहता है मुंह काला है झूठ का, है ना, तो झूठ नहीं होगा, जुष्ट होगा, जुष्ट। झावा का हो जाएगा झामक, झनकार का हो जाएगा झनकार, झनकार बीट्स, तो हो जाएगा झटतकार बीट्स होगा, झड़तकार बीट्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टकसाल का होगा टंकशाला, ये इंपॉर्टेंट है। टिटिहिरी का हो जाएगा टिटिवी, टूटना का तुटते तुटते, ध्यान रखिए, देख लीजिए। अगला देख लेते हैं, ठंडा का हो जाएगा स्तब्ध, ठंडा मतलब बिल्कुल जमा हुआ, ठंड गया है, रुक गया है, तो स्तब्ध है ना। ठाव का हो जाएगा स्थान, ठाव देख लो, तो स्थान देख लो। तीस का हो जाएगा त्रिंशत, तुच्छ का हो जाएगा तुभ्यम, तुम का हो जाएगा तुष्मे, तू का हो जाएगा त्वा, वैदिक तू, और वैदिक में तू का प्रयोग होता है, तू तू हो गया। तैतालीस का हो जाएगा त्रिचत्वारिंशत, तैतीस का हो जाएगा त्रिचिंशत, तेईस का हो जाएगा त्रिविंशति, तेरह का हो जाएगा त्रयोदश, तुरंत का हो जाएगा त्वरित, डंग का हो जाएगा दंश, डर का हो जाएगा ढां, दसना का हो जाएगा दंशन, डांड का हो जाएगा दंड, डाइन का हो जाएगा डांकिनी, डांड का हो जाएगा दृष्टा, ढां का हो जाएगा दा, डीट का हो जाएगा दृष्ट, तेल का हो जाएगा तैल, तून का हो जाएगा तुंद, तौ का हो जाएगा ततः। डेढ़ का हो जाएगा डेढ़, दृढ़, डेढ़ा का हो जाएगा दृढ़, तोड़ना का हो जाएगा त्रोटन, त्यों का हो जाएगा तदा एवं, ढाई का हो जाएगा अर्ध तृतीय, ढाई समझ रहे हैं, ढाई का तो है अर्ध तृतीय, ये याद रखिएगा, तृतीय और आधा मतलब उसे कम। ढीठ का हो जाएगा दृष्ट, ढीला का हो जाएगा शिथिल, ढांचा का हो जाएगा अर्धपंच, तैसा का हो जाएगा तादृश, तैसा और जैसा, यादृश या जैसा का यादृश, तैसा का तादृश। त्योहार का हो जाएगा तिथिवार, मतलब त्योहार है मतलब किसी तिथि में वो वार पड़ रहा है, तो तिथिवार हो गया, समझे, तिथि में हार नहीं होता है, तिथि में वार होता है। तपसी का हो जाएगा तपस्वी, तीतर का हो जाएगा तितेरे, तीरथ का हो जाएगा तीर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, वैजनाथ तीर बद्रीनाथ तीर्थ जा रहे, तीरथ नहीं, तीर्थ यात्रा लोग कहते हैं, तत्सम तद्भव है, तीर्थ होगा। तमचूर का हो जाएगा तामचूर्ण, तकुआ का हो जाएगा तर्क, तरणी का तरणी, तट तरणी, तमाल तरवर वर छाए, है ना, ये था ना ऐसा, तरणी, तेंदुल तंदुल, तांबा का ताम्र, तामुली का तांबुले, तरवारी तदा,
तालाब का हो जाएगा तड़ाग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है तड़ाग तालाब। स्तन का हो जाएगा स्तन। आगे देख लेते हैं, ताकना का हो जाएगा तर्कन, मतलब ताकना, किसी को ताक रहे हो, तर्कन कर रहे हो, मतलब जैसे नहीं कहते हैं आप हम मुझे स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, स्टॉकिंग, यू आर स्टॉकिंग मी, ताक रहे हैं, ताकना। ताव का ताप, तिगुना का त्रिगुण, तीन गुना लगान देना पड़ेगा, तो ये तिगुना है त्रिगुण। तिनका तृण हो जाएगा तिहाई, त्रिभागिका होगा तिरछा, तिरस्य हो जाएगा तीजा का, तृतीय हो जाएगा तीखा का, तीक्ष्ण, बिटर सॉल्ट है, तीखा है, बिटर है ना, बिटर कह सकते हैं। हाँ, सूर का हो जाएगा खट्टा, बिटर का थोड़ा तीखा, तिक्त हो जाएगा तीता, त्रिणी, ठूनी का थम भी हो जाएगा, थकान का शिथिल, है ना, कहते हैं थकान हो गई है, फेंटेड मूर्छित होता है, फेंटेड का मतलब तो थाली का स्थान हो जाएगा, थोड़ा का स्तूप हो जाएगा, थामना का स्तंभन हो जाएगा, थान का स्थान, थान का मतलब स्थान, जैसे राजस्थान है ना, तो वो तो स्थान है ही है उसमें, था का स्थित हो जाएगा, थम का स्तंभ हो जाएगा, थल का स्थल हो जाएगा। ये देखिए, ये राजस्थानी वर्ड है, यहाँ पे था यूज होता है लेकिन होता है स्तन, स्थल, स्तंभ, स्थित, स्थान, स्तंभ, ये होते हैं वर्ड। अगला देख लेते हैं, दूब का हो जाएगा दूरवा, जैसे नहीं कहते हैं घास की दूब ले आओ, तो दूरवा। दही का दधी होगा, दाद का दंद्र होगा, दांत का दंत होगा, इंपॉर्टेंट है, दीत का दृष्टि होगा, ये इंपॉर्टेंट है, दुबला का दुर्बल है, ये सही है, दमन होगा, दस का दश हो जाएगा, दसवा का दशम हो जाएगा, धाई का धात्री, ढाया हो जाएगा, दा का दाचरा, दोपहरी का द्विपहरी, धान का धान्य हो जाएगा, धीरज का धैर्य हो जाएगा, धुआं का धूम्र हो जाएगा, ध्वनि का ध्वनि हो जाएगा, धूल का धूली हो जाएगा, दौना का द्वावन हो जाएगा, धरती का धरित्री, धर्म का धर्म हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिए, नेवला का नकुल, नारियल का नारिकेल, नाच का नृत्य, नाक का नासिका। आगे देख रहे हैं, दाढ़ी का दृष्टिका, तो कहते दाढ़ी बनाने जा रहे हैं, तो शेविंग करवाने जा रहे हैं, तो दृष्टिका बनवाने जा रहे हैं, दृष्टिका, कि सबकी दृष्टि हम पर अच्छी पड़े, तो दृष्टिका याद करने के लिए है। दामाद का जमाता, जमाता याद कर लीजिए। दाहिना का दक्षिण है ना, अच्छा बाएं और दाएं की ट्रिक आप समझ रहे होंगे, बायां और दायां, तो अपनी उंगली को ऐसे घुमा के देखिए, उंगलियों को ऐसे 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 जब हाथ करेंगे तो ये बायां हाथ हो गया है आपका, ये वाला, ये वाला दाया हाथ हो गया, इस तरह से बी और डी है ना, और लेफ्ट राइट देखें तो ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट, इस तरीके से लेफ्ट राइट याद रखिएगा। दी का दीपक, दिवाली का दीपावली, दूज का द्वितीय, दूजा का द्वितीय, दूध का दुग्ध, दूना का द्विगुण, दूल्हा का दुर्लभ, दूसरा का दृश्य, देखना का दृश्य, प्रेक्षण, देवर का द्वर, दो का द्यों, दोना का दोण, ठीक है। उसके बाद नाखून का नख आता है, नख शिख, नख से लेके शिख तक है ना, नाखून से लेके, नीम से निम्ब हो जाएगा, नेह से स्नेह हो जाएगा, नयन से नेत्र लोचन होगा, नंगा से नग्न होगा, नंदोई से नंदा द्रुपति होगा, नया का नव्य हो जाएगा, नव्य का नवती हो जाएगा, नरसों का अन्य परसों परस्यो, नवाशी का नवाशीति, नस्य का नश्य, नहना का नखहरण, नहीं का नहीं, नादरा का लग्गन हो जाएगा, दोना का द्रोण हो जाएगा, दोहरा का द्विधा श्रुत हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दुपट्टा का द्विपट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, दुबे का द्विवेदी, ये तो पता ही है आपको, द्रक का द्रक होगा, दही का दैव होगा, दर्शन का दर्शन, धनिया का धनिका, और निहाई का निहाई, बदतमीज हो तो निधाती होगा उसका, 99 का नव नवती है, निभाना का निर्वहन है, निर्वहित करो, निडर का निर्धर होता है, निष्ठुर का निष्ठुर इस तरीके से होगा, निठुर नहीं होगा, निगलना का निर्गलन होगा, नात का नष्टा होगा, नाती का नृप्त होगा, नापित होगा। अगला नीचा का निच्च होगा, नीचे का नीचा होगा, नीचे होगा, नींद का निद्रा होगा, नींबू का नींबू होगा, नेवता का निमंत्रण होगा, नयन का नयन होगा, नेहर का गति ग्रह होगा, नोचना का लुंचन होगा, नोन का लवण होगा, निभा का निवरा होगा, नखत का नक्षत्र होगा, पखवारा का पक्षवार होगा, पगहा का प्रग्रह होगा, और पचपन का पंचाशत होगा, पक्षवाता का पश्चाताप होगा, पढ़ना का पतन होगा, परिवार का प्रतिपदा होगा, पढ़ का पठ होगा, पतोहु का पुत्र वधु होगा, पत्ता का पत्र होगा, पंसारी का पर्णशालिक होगा, पन्ना का पर्ण होगा, पपटी का परपटी होगा, पर का ऊपरी होगा, परकोटा का परिकूट होगा।